हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक रहोगे। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था हमारा रिवर डैम। ठीक है, हमको जगह का नाम पता था, ये जगह के नाम दिए हुए हैं, उनके ऊपर कौन से रिवर है और डैम। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इसके ऊपर बात की थी, उसमें मैंने कितने बताए थे? 13 बताए हुए थे। यहाँ पे हम 14 से लेके 20 तक बात करने वाले हैं। ठीक है, वो सब सारी चीजें हमको याद हो चुकी हैं। मैंने आपको बोला था, आपको अगर नहीं समझेगा तो आप वीडियो को एक बार और देखिए। ठीक है, और एक बार देखिए और उसको लिखिए। जो चीजें मैं बताता हूँ, जो कोडिंग में बताता हूँ याद करने की टेक्निक, उसको आप लिखेंगे। क्योंकि लिखने से क्या होगा, एक बार आप लिखेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, फिर सेकंड टाइम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, मैं यहाँ पे चीजें आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे टेक्निक बता रहा हूँ कि चीजें किस तरह से याद की जाती है। तो हम यहाँ पे टेक्निक की बात कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करते हो कि सर पूरा बताइए, पूरा किस तरह से बताया जाए। पूरा नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पूरा बताने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टेक्निक बता रहा हूँ कि आप जब स्टडी करने बैठोगे तो किस टेक्निक से आपको सारी चीजें याद करनी है। वैसे मैं लगभग पूरा बताता हूँ, और मैंने आपको बोला था कि अगर आपको इस चीज का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, वहां पे जाके आप क्लिक करेंगे, सीधे टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ जाएंगे, वहां पे मैं पीडीएफ अवेलेबल करा देता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे जो चीजें नहीं हो पाती है मैं वहां पे पीडीएफ के रूप में डाल देता हूँ, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पे मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 13 बता दिए थे, आज देखिए 14 से 20। देखो मात्र बहुत कम समय, अभी तुम मैं यहाँ से 14 से 20 बता के खत्म किया नहीं तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं किस तरह से याद होगा। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, इसके पिछले मैंने जम्मू कश्मीर के 2 बताए थे। ठीक है, आपको नीचे कमेंट करने हैं, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा इसके ऊपर तो जाके पहले पहला वीडियो देखिए, तब ये वाला समझेगा आपको। तो पहले वीडियो मैंने जम्मू कश्मीर के 2 डैम बताए हुए थे, रिवर और डैम, तो आपको वो देखना है, और जिन्होंने देखा है नीचे कमेंट करें। ठीक है, तो 2 स्टेट जम्मू कश्मीर में 2 है, ध्यान से सुनिए। जम्मू कश्मीर में अभी हमको 2 समझना है। तो पहले वाला जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर में सुरु रिवर है, जम्मू कश्मीर में सुरु रिवर है, उसपे डैम है चेतक। कौन सा डैम है? चेतक। सेकंड पे क्या है, जम्मू कश्मीर में सिंधु रिवर भी फ्लो करती है, आप सबको पता होगा सिंधु रिवर, और उसपे है नीमो बाजगो, नीमो बाजगो। अब इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पे अब मैंने बोला था हमको 2 चीजें समझनी है यहाँ पे, पहले कॉमेडी इमेज और फनी रिलेट। यही चीजें देखो, हर एक टॉपिक के अलग अलग मैं टेक्निक नहीं बताता हूँ, हर एक टॉपिक के मैं एक ही टेक्निक बताता हूँ, यही तो खासियत है इस वीडियो की। ठीक है, हर एक जितनी भी चीजें मैंने आपको क्यूब याद कराया, क्यूब भी एक ही टेक्निक से बताया, ये बता रहा हूँ ये भी उसी टेक्निक से है। हिस्ट्री के सारे डेट्स मैंने आपको याद करा दिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज याद कराए पूरे जनवरी से दिसंबर तक, उसके पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, बट कुछ चीजें मैंने यहाँ पे बताई थी, लगभग 40 तो बताया था। ठीक है, तो एक एक टेक्निक से सारी चीजें बताता हूँ, अलग अलग टेक्निक्स नहीं है। कॉमेडी इमेज बनाना, फनी रिलेट करना, देखिए कॉमेडी इमेज में कैसे बनाता हूँ इसका, फिर फनी रिलेट कर देंगे। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर ही ले लो, इस जम्मू कश्मीर को भी हम जम्मू कश्मीर ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई कोडी नहीं है, यहाँ पे शुरू है, ये तो खुद ही में एक कॉमेडी इमेज है। शुरू, शुरू मतलब शुरुआत, यहाँ से शुरुआत होती है, तो शुरू मतलब शुरुआत, तो जम्मू कश्मीर इसका शुरुआत हो गया। इसमें चेतक लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम चेत ले लेते हैं, चेत सचेत जिसे बोलते हैं ना, सचेत हो जाना, सतर्क हो जाना, तो उसको चेत ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने कौन सा इमेज निकाला, चेत। अब देखिए किस तरह से इसको स्टोरी बनाना है, जम्मू कश्मीर जैसे शुरू होता है, जम्मू कश्मीर जैसे शुरू होता है वैसे हमको क्या हो जाना चाहिए, चेत हो जाना चाहिए या सचेत हो जाना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर जैसे शुरू होगा मतलब शुरू रिवर, और सचेत हो जाएंगे मतलब चेतक, चेत हो जाएंगे चेतक। ठीक है, सेकंड जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर में सिंधु रिवर भी है, ठीक है, और नीमो बाजगो डैम है। आप देखिए जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर ही समझेंगे, सिंधु दिया हुआ है तो सिंधु को डिकोड करेंगे तो सीधा, इसको हम क्या कर सकते हैं, सीधा पढ़ सकते हैं, सिंधु को सीधा पढ़ो, सीधा इसको सीधा मान लो, सीधा है सिंधु, सीधा इसको सीधा। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें नीम दिख रहा है आपको, नीम, और इसमें बाघ दिख रहा है। ठीक है, बाजगो बाघ, नीम और बाघ, इस तरह से इसको कोडिंग कर सकते हो, नीम और बाघ। अब देखो ये नीम बाघ हो गया, नीमो नीम, बाजगो बाघ, यहाँ पे सिंधु से सीधा। अब देखो जम्मू कश्मीर के सीधे, जम्मू कश्मीर के सीधे, इसको सीधे बना दो, जम्मू कश्मीर के सीधे नीम का बाघ है, जम्मू कश्मीर के सीधे क्या है, नीम का बाघ है, तो याद हो गया। जम्मू कश्मीर के सीधे मतलब सिंधु, नीम नीमो, बाघ मतलब बाजगो। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड, जम्मू कश्मीर के सीधे क्या है, नीम का बाघ है। तो अगर आपने 2 बार प्रैक्टिस किया तो आपको चीजें याद हो जाएंगी फटाफट। ठीक है, थर्ड, थर्ड भी क्या दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर झेलम, झेलम रिवर भी जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है, और उरी। ठीक है, उरी, अब इसको कैसे याद करेंगे, जम्मू कश्मीर का मैंने बोला जम्मू कश्मीरी कोड है,
इसके पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था वो भी सेम कोड था, जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर था, चिनाब रिवर था यहाँ पे, चिनाब को मैंने चाइना से बताया था और उसका कोड डैम कौन सा था आप मुझे कमेंट करेंगे। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में झेलम है और उरी है, तो जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर झेलम, झेलम मतलब कोई चीज झेलना होता है, तो ये भी तो अपने आप में कॉमेडी में चाहिए। जम्मू कश्मीर ये होगा झेलम, उरी को हम बना सकते हैं पूरी, ठीक है, पूरी को क्या कर सकते हैं पूरी। मैंने आपको बताया कि चीजें जितनी ज्यादा कॉमेडी होंगी उतनी ज्यादा हमारे माइंड में सेट होंगी। अब यहाँ पे पूरी बोल दिया तो उरी से पूरी, तो आपको ये माइंड में सेट रहेगा। राइट ब्रेन में कोई चीजें भेजनी है तो उसको कॉमेडी इमेज बनानी होती है, क्योंकि हमारे राइट ब्रेन में वही चीजें जाती हैं जो कि एक कॉमेडी होती है, ठीक है। उसी तरह से देखो जब हम मूवी देखते हैं, कोई चीज देखते हैं तो हमको याद क्यों रहती है, यही रीजन है, क्योंकि वो चीजें हमारे लेफ्ट ब्रेन में ना जाके राइट ब्रेन में जाती है, ठीक है। तो हमको चीजें राइट ब्रेन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कॉमेडी बना। मैं नहीं बोल रहा, जैसे मैं बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, आप अपने तौर तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर झेलम उरी, उरी का मतलब पूरी। अब देखो याद कैसे करेंगे, जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम्स है वो इंडिया वाले झेलेंगे, इसके पहले जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम्स है वो कौन झेलता था, झेलम हम लोग झेलते थे, जम्मू कश्मीर के प्रॉब्लम्स को हम झेलेंगे और वो लोग क्या खाएंगे, पूरी खाएंगे, वो लोग क्या खाएंगे पूरी, उनकी प्रॉब्लम्स को हम झेलेंगे और वो लोग क्या खाएंगे पूरी खाएंगे। अब देखो याद हो गया, जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे हम झेलेंगे मतलब झेलम, और वो लोग क्या खाएंगे पूरी खाएंगे मतलब उरी, उरी डैम है वहां पे, ठीक है। तो झेलम रिवर पे कौन सा डैम है, उरी डैम है, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या दिया, तमिलनाडु कावेरी रिवर पे कौन सा मेटर है, कौन सा मेटर। अब यहाँ पे देखो तमिल, तमिल को अगर डिकोड करेंगे तो यहाँ पे तमीज आ जाएगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो तमीज इसको बना सकते हो, तो इसका कोड क्या हो गया तमीज और कावेरी, तो इसको कावेरिया बना दो, क्या कर दो कावेरिया, इसको क्या कोड आप याद रखिए, लिख लीजिए आप फटाफट, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं सीधा बताऊंगा, ठीक है। तो कावेरी को क्या करिए कावेरिया, नेक्स्ट कावेरी से कावेरिया हो गया, मटर से इसको मटन बना दो, क्या कर दो मटन, या मटर ही बोल दो, मटर मटर चलेगा या मटन बोल दो, ठीक है। तो अब इसका कोड क्या बन गया, तमीज बन गया, तमिलनाडु से तमीज, कावेरिया और मटर। तो अब आपको इसको याद कैसे करना है, आपको तमीज नहीं है ऐसे यहाँ पे, आपको तमीज नहीं, आप कावेरिया को मटर खिला रहे हो, आपको तमीज नहीं है आप कावेरिया को क्या कर रहे हो मटर खिला रहे हो, तो मटर खिला रहे हो तो क्या हो गया, बट इसको याद करना हमको तो कॉमेडी बनाना है, ठीक है। मटर खा लिया तो क्या हो गया, बट कावेरिया मटर कभी नहीं खाती थी और एक आदमी ने आया उसको मटर खिला दिया, तो हमने क्या बोला उसको, तुमको तमीज नहीं है, तुम कावेरिया को क्या खिला रहे हो मटर खिला रहे हो, तो याद हो गया तमीज से तमिलनाडु, कावेरिया से कावेरी और मटर से मेटर। नेक्स्ट यहाँ पे ओडिशा दिया हुआ है, ठीक है, ओडिशा महानदी हीराकुंड। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो इतनी ज्यादा आसान नहीं होती चीजों को इसको कन्वर्ट करना, लेकिन जिस दिन आप कन्वर्ट करना सीख गए उस दिन समझ जाना कि आपका काम हो गया। उड़ीसा, तो यहाँ पे उड़ीस करके एक लड़के का नाम है, उड़ीस, ठीक है, उड़ीस नाम तो होता नहीं है बट हमको राइट ब्रेन में भेजना है तो उड़ीस नाम रख लो, उड़ीस एक लड़के का नाम है, जिसको हम लोग सपोज आपके कॉलेज में एक लड़का है जिसका नाम क्या है उड़ीस। अब स्टोरी सुनिए, क्योंकि स्टोरी बना के ही माइंड में सेट होती है। तो उड़ीस नाम का एक लड़का है जो कि महागंदा है, यहाँ पे महागंदा है, नदी से गंदा, महागंदा। तो उड़ीस नाम का एक आपके कॉलेज में लड़का है जो कि महागंदा है। अब हीराकुंड से आएगा हरकत, हीराकुंड से क्या आएगा हरकत, उसकी हरकतें आपके घर वालों को पसंद नहीं है, ठीक है। उड़ीस नाम का एक लड़का है, उड़ीस नाम का एक लड़का है जो महागंदा है, उसकी हरकत हीराकुंड, उसकी हरकत आपके घर वालों को पसंद नहीं है। तो अभी क्या हो गया, उड़ीस से उड़ीसा, महागंदा से महानदी, उसकी हरकतें मतलब हीराकुंड, ठीक है, आपके घर वालों को पसंद है। तो जो स्टोरी में बताया उसको इमेज बना के माइंड में सेट करना है तभी याद होगा। आप रटने की कोशिश करेंगे इस चीज को भी तो याद नहीं होगी, रटना नहीं है चीजों को समझना है। आप मूवी देखते हो, मूवी आपको रटने पड़ती है ऐसा हुआ ऐसा हुआ, आप चुपचाप बैठे रहे तो आपके राइट ब्रेन में जाते रहती है, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको स्टोरी बनानी है। तो आप उड़ीस, उड़ीस जब सुनेंगे उड़ीसा तो समझ जाना मेरे कॉलेज में उड़ीस लड़का था जो महागंदा था, उसकी हरकतें हीराकुंड, मेरे फैमिली को पसंद नहीं था। अब दो है राजस्थान का, ये एकदम सिंपल है, ध्यान देंगे दो मिनट में खत्म। राजस्थान, राजस्थान इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, राजा स्थान, राजा का स्थान, ठीक है, राजस्थान राजा का स्थान। तो राजा का स्थान, राजा का स्थान चंबल, चंबल की घाटी में था, राजा का स्थान चंबल की घाटी में था। अभी यहां से ध्यान से सुनिए, एक राजा था, स्टोरी सुनेंगे, एक राजा था, चंबल की घाटी में बहुत ज्यादा सोना पड़ा हुआ था, ठीक है, चंबल की घाटी में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा सोना पड़ा हुआ था। राजस्थान का जो राजा था उसको ये बात पता चल गई, वो जाके वहां पे सोने को लेने के लिए पहुंच गया, कहां पे, चंबल की घाटी में। अब इसके बाद की स्टोरी सुनिए, तो राजा का स्थान कहां पे था, चंबल की घाटी में, वो चंबल की घाटी में गया, राजा का स्थान चंबल की घाटी में था,
वहां से जवाहर, जवाहर उसके ऊपर डैम है तो यहां से निकाल लो बाहर, यहां से बाहर, बाहर बाहर। राणा प्रताप मतलब रोना पड़ा, इसको याद कर सकते हो, थोड़ा सा ये वाला डिफिकल्ट है बट इसको समझो। राणा रोना, प्रताप पड़ा, रोना पड़ा राणा प्रताप। ठीक है, अब देखो जो राजा का स्थान था वो चंबल की घाटी में था, उसको वहां से हम लोग गए, हमने हमको पता चल गया कि वहां पे सोना लेने गया, हमने उसको वहां से क्या किया बाहर निकाला, उसको क्या किया मारने के लिए बाहर निकाला, उसको क्या किया मारने के लिए हम लोगों ने उसको बाहर निकाला क्योंकि वो सोना गांव वालों का था, वो लूट रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया उसको बाहर निकाला। अब बाहर निकालने के बाद उसको बहुत मारा हम लोगों ने, इतना मारा कि वो क्या पड़ा, उसको रोना पड़ गया, रोना पड़ा। ठीक है, रोना पड़ा। अब देखो ध्यान से पूरी स्टोरी बन गई। राजस्थान, राजा का स्थान कहां पे है, चंबल घाटी में है। ठीक है, चंबल घाटी, चंबल घाटी में जवाहर, हम लोग पहुंचे उसको क्या किया वहां से बाहर निकाला, और बाहर निकाल के उसको क्या किया भर दिया अच्छे से, अब वो रो रहा है तो उसको क्या करना पड़ा रोना पड़ा, तो रोना पड़ा से राणा प्रताप। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपको याद करनी है। अब इसको हम लोग रफ कर देते हैं फिर देखते हैं याद आता है ये। ठीक है, अभी देखते हैं आपको याद आ क्या रहेगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में कितने हैं, दो डैम है, तीन है, हमको यहाँ पे तीन दिया है, इसके पहले मैंने दो बताए थे। तमिलनाडु में है, उड़ीसा और राजस्थान में दो है। ठीक है, तो आइए जम्मू कश्मीर में दोनों रिवर की बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन सी रिवर थी यहाँ पे, शुरू, तो मैंने आपको क्या बोला जैसे ही जम्मू कश्मीर शुरू होगा वैसे हमको क्या हो जाना है, सचेत हो जाना है, चेतक। ठीक है, चेत, सचेत हो जाना है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कौन सी रिवर थी यहाँ पे, यहाँ पे फिर से शुरू था। ठीक है, आप ध्यान दीजिए और इसको लिखते हुए चले जाइए, यहाँ पे क्या था, चेतक। ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे कौन सी रिवर थी, सिंधु रिवर। तो हमने क्या याद किया था, जम्मू कश्मीर के सीधे जाओगे तो आपको नीम का बाग दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर था, यहाँ का जम्मू कश्मीर में क्या था, यहाँ पे चिनाब था, सॉरी ये चिनाब पिछला वाला था, यहाँ पे झेलम था, यहाँ पे झेलम था चिनाब, क्योंकि हमको देखो हमने जम्मू कश्मीर के बहुत सारे चीज याद किए तो हमको याद आ जाता। ठीक है, यहाँ पे क्या था, झेलम। तो जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो कौन झेलेगा, हम इंडियन वाले झेलेंगे, और वो लोग क्या खाएंगे, पूरी खाएंगे, मतलब पूरी। ठीक है, पूरी पूरी पूरी। नेक्स्ट, तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्या था, तमीज, तमीज किसको नहीं थी, एक लड़की को उसने क्या किया, मटन खिलाया, जिससे उसका मेटर, इसको हम क्या कहते हैं मटन, या मैंने आपको बोला था मटन भी आप उसको बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, उड़ीसा, उड़ीसा से क्या था, उड़ीस, उड़ीस क्या करता था, महागंधा लड़का था, आपके घर वालों को उसकी हरकतें पसंद नहीं थी, हीराकुंड। नेक्स्ट, राजस्थान, राजस्थान दो बताया, राजस्थान में राजा का स्थान कहां पे था, चंबल घाटी में था, उसको यहाँ पे दो मैंने बताया, रोना पड़ा, क्यों रोना पड़ा, क्योंकि वो सोना क्या कर रहा था, चुरा रहा था, तो हमने वहां पे पहुंचा, उसको क्या किया बाहर निकाला, बाहर से क्या था, जवाहर। ठीक है, तो इस तरह से अभी याद होगा, एक दो बार आप उसको पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट इसको अगर आप रटने जाएंगे तो बहुत अधिक समय लगने वाला है, मुझे पता है स्टोरी लंबी है, बट जिस तरह से बताया अगर आप इसको एक बार भी दो बार भी दिन भर में किया तो नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो कॉमेडी इमेज बनाया, पहले मैंने कॉमेडी इमेज बनाने के बाद इसको रिलेट किया, यही दोनों चीजें तो मैं आपको बोलता हूँ, पहले हम कॉमेडी इमेज बनाते हैं और इसको फनी रिलेट कर देते हैं। तो कॉमेडी इमेज मैंने सारे का बनाया, तभी तमिलनाडु जब देखोगे आपको तमीज याद आ जाएगा। ठीक है, उड़ीसा देखोगे तो आपको उड़ीसा नाम का लड़का आ जाएगा, राजस्थान मतलब राजा का स्थान, जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट खत्म होते हैं। इसके बाद चार और हैं, चार हम और देख लेते हैं, उसके बाद इसके पीडीएफ को मैं क्या कर दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसके बाद और भी जितने होंगे वो आपको बनाने होंगे। ठीक है, मिलते हैं पांच के साथ। तो आइए उसके आगे से बात कर लेते हैं, 21, 22, 23, 24। ठीक है, यहां से मैं 24 तक ही आपको बताऊंगा, इसके बाद के जो होंगे वो आपको करने, लगभग वैसे सारे हो चुके हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े से बचे हुए हैं जो कि डैम पहले अभी जो बन चुके रिसेंट में, ठीक है वो बचे रहेंगे, या फिर जैसे गंगा हो गया, यमुना रिवर के ऊपर भी डैम है, तो वो सब आप थोड़ा सा करेंगे, वो समय आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बनाना सीखिए, ना कि इसको रटना सीखिए, जिस तरह से मैं बता दूंगा आप उसको समझ लेंगे वैसे काम में चलने वाला है। ठीक है, तो आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो अभी हम उत्तराखंड, एमपी और केरला का देखेंगे। एक डाउट यहाँ पे ये भी है, क्योंकि बहुत सारे रिवर जो है अलग अलग जगहों पर, जैसे चंबल एमपी में भी है, तो मैंने इसके पिछले राजस्थान में बताया था, तो इससे तुमको आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्यों, क्योंकि आप जब ये नाम देखेंगे एमपी देखेंगे तो आपको तुरंत याद आएगा। राजस्थान देखिए, राजस्थान तो राजा का स्थान चंबल घाटी में था इसलिए रोना पड़ा, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं आप जैसे ये देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे आपको ये ऑटोमेटिक याद आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। आइए इसको कोडिंग कर लेते हैं। उत्तराखंड,
एमपी एमपी केरला। उत्तराखंड का मैंने आपको एक बताया था, उत्तराखंड का उत्तर। अब आप देखो तुरंत आपको कैसे याद आएगा, ठीक है, इसका मैंने बताया था उत्तर। उत्तर उस समय भी भागीरथी था, उस समय भी भागीरथी, भागीरथी पे दो डैम है, इसका मतलब उत्तर में भागीरथी। तो भागीरथी को मैं क्या बन सकता हूं, भागारथ। क्या कर सकते हैं, भागारथ, रथ जो होता है भाग रहा है, तो भागीरथी से भागारथ। अब उस समय जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो उस समय क्या था, उत्तर की ओर भागारथ वो भी टेढ़ा, वो भी क्या टेढ़ा था, तो टेहरी बांध था। कौन सा बांध था, टेहरी। देखिए किस तरह से याद आया, तो उत्तर की ओर भागारथ वो भी टेढ़ा, तो टेढ़ा से टेहरी बांध। बट यहाँ पे क्या है, इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या है कोटेश्वर। तो अभी देखिए किस तरह से इसको याद करना है, उत्तर भागारथ कोटेश्वर, कोट यहां से मैं बना सकता हूं कोट, ये कोट हो गया श्वर, तो यहां पे सलवार ले सकते हो, कोट सलवार कोटेश्वर, ठीक है। कोट से कोट हो गया, श्वर से यहां सलवार, या फिर श्वर से आप कुछ और भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो उत्तर की ओर भागारथ क्या लेके भागा, उत्तर की ओर भागारथ कोट और सलवार लेके, कोट और सलवार लेके कोटेश्वर, ठीक है, कोट और सलवार लेके उत्तर की ओर भागारथ। तो भागीरथी रथ पे कोटेश्वर, कोट और सलवार। नेक्स्ट एमपी, अभी देखिए एमपी का दो है, तो एमपी मैंने एमपी बताया था, एमपी का कोई मैंने कोट नहीं बताया था। एमपी 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 मैंने एक बताया था कि जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यहाँ पे एमपी मध्य प्रदेश है। तो अभी चंबल रिवर एक नर्मदा रिवर, एमपी में चंबल रिवर फ्लो करती है और नर्मदा रिवर, इनके ऊपर अलग अलग बांध है, गांधी है और कौन सा है, ओम करेश्वर, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद करते हैं, तो पहला क्या है एमपी, पहले याद करते हैं चंबल, तो चंबल का मैंने बताया था कुछ कोडिंग नहीं था इसका, चंबल घाटी ही है, तो एमपी चंबल घाटी और गांधी। अब देखिए इसका लाइन कैसे बनता है, एमपी वाले लोग को, एमपी वाले लोग को चंबल की घाटी में ही रहने दो, एमपी वाले लोग को क्या करो, चंबल की घाटी में ही रहने दो। क्यों, क्योंकि उनको बहुत गांधीगिरी आती है, उनको क्या आती है, बहुत ज्यादा गांधीगिरी आती है, इसलिए उनको वहीं पे मरने दो चंबल घाटी। कोई एमपी का है तो बुरा मत मानना, मैं इसको याद करने की टेक्निक ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। तो एमपी लोग चंबल घाटी में ही रहने दो, क्यों, क्योंकि उनको बहुत गांधीगिरी आती है, ठीक है, हमको सिर्फ याद करने से मतलब है। नेक्स्ट एमपी, अभी क्या है नर्मदा, तो एमपी यहाँ पे नर्मदा से मैंने क्या बताया था, नरम गंदा, ठीक है, क्या है नरम गंदा, नर्मदा से नरम गंदा, एमपी से एमपी था, यहाँ पे ओम करेश्वर, इसका क्या बताया था। अब यहाँ पे आप मकार बना सकते हो, यहाँ पे ईश्वर, आपको ईश्वर दिख रहा है स्वर, तो इससे ईश्वर बना दो, ईश्वर, तो यहां से ईश्वर हो गया, यहां से मकार, ओम करेश्वर मकार ईश्वर, ठीक है। तो एमपी वाले लोग नरम गद्दा पे सोते हैं, एमपी वाले लोग एक तो नरम गद्दा पे भी सोते हैं और मकार लोग ईश्वर को भी याद करते हैं, ठीक है। किस तरह से, एमपी वाले लोग नरम गद्दा पे भी सोते हैं और मकार लोग ईश्वर को भी याद करते हैं, तो ओम करेश्वर, ठीक है, ये थोड़ा। तो नेक्स्ट कौन सा, अभी नेक्स्ट है केरला, ठीक है, ये आपको समझ गया रहेगा, यहाँ पे मकार ईश्वर। तो एमपी से हमको दो चीज याद हो गई, थर्ड क्या दिया हुआ, अभी फोर्थ क्या दिया हुआ, केरला और पेरियार और मुला पेरियार। तो मैंने आपको इसमें से कोड बताया था, केरला से क्या कर सकते हो, करेला कर सकते हो, पिछले वीडियो में मैंने हमको इसको पढ़ा था, ठीक है। अब आप पिछला वीडियो देखिए, आपको याद करोगे आपको याद आएगा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है थोड़ा सा मेहनत के तो याद तुरंत आएगा। केरला से करेला बोला था और पेरियार से प्यार बोला था और मुला पेरियार, इसको क्या बना सकते हैं हम, थोड़ा आप अगर सोचेंगे तो यहाँ पे पेरियार है, यहाँ पे पेरियार है, तो यहाँ पे प्यार कर दो इसको, और मुला, तो मुला से क्या बना सकते हैं, मुला कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, तो केरला, करेला से भी मैं उतना ही प्यार करता हूं जितना कि मुल्ला से प्यार करता हूं, ठीक है। तो करेला से भी मैं उतना ही प्यार करता हूं जितना कि मुल्ला से करता हूं, तो करेला से केरल और प्यार से पेरियार, मुल्ला मुल्ला प्यार से मुला पेरियार। आप स्टोरी बनाएंगे, माइंड में स्टोरी बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करेला से भी आप उतना ही प्यार करते हैं, इसके पिछले वीडियो में भी था, केरला का था, केरला क्या था कि करेला, करेला से भी मैं उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि लड्डू से। तो मैंने बताया था प्यार से पेरियार, मतलब पेरियार पे दो डैम है, कौन कौन से, एक मुला पेरियार और दूसरा लड़ूकी। तो मैंने बोला था लड्डू, लड्डू से लड़ूकी, अभी देखो किस तरह से याद आता है। तो इसी तरह से आपको भी अगर आपने वीडियो देखा तो तुरंत याद आ रहेगा। तो करेला से मैं उतना ही प्यार करता हूँ जितना की लड़ूकी से, मतलब लड्डू से लड़ूकी। तो ये बात हो गई अभी स्टेट की, 24 मैंने आपको बता दिया। ये टेक्निक्स मैं आपको याद नहीं करा था, टेक्निक्स मैं आपको बताया था कि याद किस तरह से किया जाता है। पहले हमको चीजों को ब्रेक करनी होती है, ब्रेक करके एक स्टोरी बनानी होती है, फिर उस स्टोरी को इमेजिन करनी होती है। एक बार इमेजिन कर लिया तो वो चीजें राइट ब्रेन में घुस जाती है। एक चीज, वो कभी सीरियस स्टोरी नहीं होनी चाहिए, सीरियस नहीं होंगी तभी वो राइट ब्रेन में जाएंगी, सीरियस स्टोरी रहेंगी तो राइट ब्रेन में नहीं जाएंगे।
क्यों? क्योंकि राइट ब्रेन उन्हीं चीजों को लेता है, याद करता है जो कि एक कॉमेडी होती है, ठीक है। जैसे कपिल शर्मा का शो देख लो, कोई चीज देख लो जिसमें कॉमेडी होती है, तो हमको याद रहती है, ठीक है। मूवी हम इतनी सतर्कता देखते हैं क्यों? क्योंकि हमको वो चीजें याद हो जाती है, और वो रियल लाइफ में ऐसी होती नहीं। जब हम क्रिश की मूवी देखते हैं तो वो हवा में इस तरह से उड़ता है, ठीक है, तो वो चीजें हमको क्यों याद रहती है कि अभी ऐसा सीन आएगा, ऐसा सीन आएगा, क्यों? क्योंकि वैसा रियल लाइफ में नहीं होता है। तो राइट ब्रेन आपको वो बताता है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको आपको याद करके रखना होगा, ऐसा, ठीक है। उसी तरह से हमको ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, एक कॉमेडी की तरीके से बना के उसको माइंड में सेट करनी होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई स्टेट रिवर और डैम की। अब इसके बाद का जो होगा, इसके बाद का शायद मैं फोक डांस को बनाऊंगा, ठीक है। महाराष्ट्र में किस तरह के फोक डांस होते हैं, कौन सा कला नृत्य किस तरह से है, या फिर पूरे इंडिया के ऊपर ही बात कर सकते हैं। एक चीज मैंने आपको बोला था कि आपको जो चीजें लगती हैं कि याद करने लायक है या आपको याद नहीं होती, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए नया ट्रिक लेके आऊंगा। आर्टिकल से लेके पीरियड टेबल तक, आपको पीरियड टेबल भी याद करना है तो वो मुझे कमेंट करिए कि सर पीरियड टेबल पे बनाइए। मैं मात्र 2 घंटे, मतलब 3 से 4 वीडियो लगेंगे और आपको पूरा का पूरा पीरियड टेबल याद हो जाएगा। आपको जैसे पूछा जाएगा 2 सेकंड के अंदर आप आंसर देने वाले हो, विदाउट पेन पेंसिल, कुछ नहीं करना, स्टोरी भी नहीं बनाना उसका, इतना लंबा स्टोरी कौन पढ़ता है। 1 से 30 तक स्टोरी बना देंगे, फिर 30 से 100 तक का स्टोरी, वो स्टोरी याद भी नहीं रहती है, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, उसी वर्ड को उसी एलिमेंट से कनेक्ट कर देंगे, ताकि इस वर्ड को अगर स्टोरी बना दिया और इसको स्टोरी से कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ये वर्ड बोला जाएगा आपके माइंड में वही स्टोरी आएगा, आप तुरंत से एलिमेंट का नाम बोल देंगे, तो कितना ईजी है ये, ठीक है। ऐसे अगर आप 10-10 करेंगे तो वो कम्प्लीट हो जाए। जैसे मैंने आपको क्यूब बताया, तो क्यूब का मैंने क्या बताया था आपको, तुरंत आगे आप जैसे मैं क्यूब का बताया था, 22 का क्यूब बताइए, तो 22 का क्यूब कैसे बताएंगे आप, यहाँ पे 2 था तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये हमको कैसा दिख रहा है, डक के जैसा दिख रहा है ना, डक, इसको थोड़ा सा डायग्राम खराब है, डक जैसा दिख रहा है। तो डक को हम क्या खिला रहे हैं, शुगर खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, शुगर। तो आप शुगर खिला रहे हैं, लास्ट प्लेस पे क्या है, 2 है, तो 2 का क्या होता है, 8 होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। शुगर खिला रहे हैं तो 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 4, यहाँ पे 1 मैंने लगाने बोला था, ठीक है, तो 10648, तो कितनी जल्दी आ गया ये आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी क्या कर सकते हो, फटाफट निकाल सकते हो। तो आपको मैंने 46 तक पीडीएफ बना के डाला था, अब इसके बाद का जो आपको करना है खुद से करना है, ठीक है। नहीं होगा तो मैं उसका भी पीडीएफ अभी काम चालू है इस पे, जैसे होगा तो मैं आपको वो भी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको कुछ अलग चीजें भी चाहिए या फिर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।